आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझें, कितने भी जीनियस क्यों ना हो, आपको नोबेल प्राइज मिला हो और कई नोबेल प्राइज मिले हों, सबसे बड़े प्रोफेसर कहे जाते हों साइंस के, लेकिन जो भी रिसर्च किए हैं अधूरा है, क्योंकि रिसर्च हम इंटेलिजेंस की मदद से करते हैं, मन और बुद्धि के, और मन और बुद्धि का अस्तित्व है ही नहीं, वो माया है। माया की एक पहचान है, मन और बुद्धि जो माया के रूप में है वो बिना तुलना किए काम नहीं कर सकते। बुद्धि हमेशा कंपेयर करेगी। बुद्धि इंटेलिजेंस मन ऐसे ऐसे विचारों को लाएगी जो दूरी बढ़ाता है, ऐसा सोच लाएगी जो दूरी बढ़ाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, कोई भी विचार कोई भी भावना जो दूरी बढ़ाती हो उसको एंटरटेन न करिए। जैसे भय दूरी बढ़ाती है, अगर आपके पास भय है डर है किसी भी चीज का, याद रखिएगा मन और बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। या शोक दुख होता है किसी भी चीज से, एक्सीडेंट हो गया दुख हो गया, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही, कितने मर्डर हत्याएं हो रही, दुखित हो गए हैं, किसी भी कारण दुखित हो, इसका मतलब क्या है, सच पकड़ में नहीं आ रहा है। बिना दुखित हुए हम ज्यादा सेवा कर लेंगे, किसी चोट लगी दुखित हो गए रोने लगे और आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को हमेशा याद रखिए। दुखित होने का मतलब नहीं है कि आप बड़े दयालु हों, कोई मर गया रोने लगे बड़े दुखित हो गए, इसका भी प्राय नहीं कि उसको बहुत मानते थे। लड़ी महर्षि की बेटी थी, वो चल बसी, वो प्रवचन कर रहे थे अमरता पर, लोगों ने कहा गुरुदेव उनका देहांत हो गया अब प्रवचन बंद करिए। वो प्रवचन कौन कहे बंद करने को, वो तो किए ही नहीं, दुखित भी नहीं हुए, बेटी मर गई आंसू गिर जाए। याद रखिएगा समित्येश्वरी लिखते हैं आठ प्रकार की चीज में से अगर कोई भी एक चीज है तो आप माया में फंसे हैं और अशांत होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे। पहला चीज है देखकर घृणा। अगर घृणा है तो याद रखिए बहुत कष्ट होगा। घृणा किसको कहते हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। किसी की क्षमता को कम मानना घृणा कहते हैं। किसी के कहना कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी की निंदा करना, ये सब घृणा में आता है। आलस्य, अब हम उठना चाह रहे हैं नहीं उठ पाए, क्या है थके हैं, ये भी घृणा है। आप थक कैसे सकते, आप तो ऊर्जा के रूप है, तो घृणा कैसे कर रहे हैं अपने से। तो घृणा बहुत बड़ा व्यापक है, इसके बारे में एक दिन विस्तार से मैंने बताया था। जैसे हमको दूसरी चीज है जिसको कहते हैं शेम, लज्जा। मान लीजिए हम अमेरिका में हैं और हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, हनुमान जी फोटो लेके चल रहे हैं बंदर की तरह है, या गणेश के भक्त हैं, या शिव के हैं सांप लपेटे हुए हैं, वही चित्र लेके चल रहे हैं, त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हैं, जो भी है। तो अगर हम उसको दिखा रहे हैं वहां कोई जानता ही नहीं, कह देंगे हमारे अवतार यही हैं, हमारे आराध्य ही हैं, तो लोग हंसेंगे। तो इसको कहें कि ना कहें, उसको कहिए। नहीं कहने का अर्थ है कि उनका सही रूप नहीं पता है। हनुमान जी का सही रूप बंदर की तरह नहीं है, शंकर भगवान वैसे नहीं जो दिखाते हैं, गणेश वैसे नहीं जो दिखाते हैं। उनके बारे में जो सच्चाई पता होगी तो उसको लेकर चले में दिक्कत नहीं होगी, उनको समझा देंगे लिखावट है।
जैसे हम अलग अलग अक्षर लिखते हैं, अगर हम कहते हैं कि ए फॉर एप्पल, ए एप्पल से ए बनता है, कहेंगे तो बेकूफी फिर ए खा लीजिए, या एप्पल है तो इसको खा लीजिए, एप्पल तो है नहीं ये, इसमें भी हंस सकते हैं कोई, ये कहते हैं एप्पल है, ये तो आपने पेंटिंग किया कागज पे, एप्पल कहाँ है। इसका मतलब कि अगर किसी चीज के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं है तो हमें लज्जा लगेगी, तो लज्जा को अज्ञानता का प्रतीक है ये। अगर अज्ञानता है तो याद रखिएगा हमें कष्ट है और हम कष्ट देंगे, इग्नोरेंस है हमें कष्ट होगा, कष्ट हम देंगे। दुख शोक अब कोई विपत्ति आ गई दुखित हो गई, बात बात में दुखित हो जाते हैं, बात बात में रो देते हैं, तकलीफ हो जाती है। अगर हमें ग्रीफ और शोक है इसका मतलब क्या अज्ञानता है। शोक दुख क्यों होता है, जब किसी चीज बारे में सच्चा ज्ञान न हो, हम जो करना चाहें कर ना पाए, हम सच के साथ न हो, हमें साहस और धैर्य कम हो, हिम्मत हम हार जाएं, तभी तो शोक होगा। इसका मतलब कि अज्ञानता होने पर ही शोक होगा, हम अपने बारे में नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते, किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो शोक तो होगा ही। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं का अस्तित्व असीम है, अनंत है और आगे है सब। इस तरह से याद रखिए हम क्या करें कि ये सब प्रकार के जो बंधन है कष्ट के समाप्त हो जाएं। लगातार सिर से पैर की उंगली तक जो आपके साथ है इसको अनुभव करिए, पैर कहाँ, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट और सीना कहाँ है, गला चेहरा सिर कहाँ है, इसको अनुभव करिए। और जब इसको अनुभव करेंगे तो जो अनुभूति हो उसको अमरता की अनुभूति कहिए, अमरता की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ ना कहिए, यह है इंपॉर्टेंट। चलो अभ्यास नहीं होता है, 5 मिनट करिए, 5 मिनट तो कर ही लेंगे, धीरे धीरे सजग रहिए, एक एक मिनट बढ़ाना है तो आप पता चले कि एक महीने आधे घंटे कर लेते हैं अमरता की अनुभूति है, एक एक मिनट बढ़ाते जाइए तो 2 महीने में 1 घंटा कर लेंगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, 4 महीने में 2 घंटा कर लेंगे, फिर 12 महीने में 6 घंटा कर लेंगे, 1 साल में 12 घंटा कर लेंगे और 24 महीने में ऐसे और बढ़ते चले जाइए। एक समय आएगा कि आप 24 घंटा अभ्यास कर लेंगे। जिस दिन 24 घंटा अभ्यास हो गया कि जो अनुभव करते अमरता कर्म होती, उसी समय सभी प्रकार के डर भय खत्म हो जाता है। क्योंकि हम डर भय से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, हम कष्ट से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रयत्न नहीं करते। और इस तरह से अभ्यास भी किए रहेंगे तब इस तरह से मन नहीं होगा कि ये स्वाद अच्छा है ये अच्छा नहीं है, इसको क्या करें, क्या भूने, क्या तड़का दें स्वादिष्ट हो, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। जिसका मतलब है कि सारी हमारी इंद्रियों की क्षमता बढ़ गई है, इसलिए एक ही उपाय है कि क्रिया योग ध्यान खूब अच्छे तरह करते जाए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाए, इसको अनुभव करते जाए, सिर चेहरा गला हाथ पीठ सीना पेट कमर से पैर की उंगली तक दोनों पैर, इस तरह से अभ्यास करते जाए करते जाए करते जाए। नहीं कर पाते इसका मतलब आप नहीं चाहते, कोई चाहेगा कि सारी समस्याएं दूर हो जाए तो करेगा क्यों नहीं, उसको रीजनिंग पावर मन की डाइवर्जन होगा, मन कहेगा ये गलत वो सही ये गलत वो सही, चक्कर में फंसे कि गए। इस तरह से याद रखिएगा
हम लोगों को कष्ट से मुक्ति इसलिए होना है कि जो लोग कष्ट में हैं उनकी मदद करना है।